guys, finally the Spider-Man 2 is coming and I'm super excited to tell you guys it's gonna be a blast. If you played Spider-Man 1, if you played the Spider-Man Miles Morales, is gonna be a treat for your ears, eyes, hand, whole body and mind. It's gonna be a game that we are waited and we wanted. So guys, in this video we are going to talk about everything related to Spider-Man, so stay tuned till the end. Spider-Man 2 में वो सब है जो आपको वन Spider-Man 1 एंड Miles Morales दिखा होगा। अगर आपने Miles Morales वाला Spider-Man खेला है तो आपको पता होगा कि Insomniac ने उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करे थे। एक्सपेरिमेंट मीन्स उन्होंने उसमें दो तीन चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करी थी जस्ट टू चेक कि लोगों को कैसी लगेगी, और वो ऑन पेपर तो अच्छी है बट वो इन रियलिटी जब लोग खेलेंगे तो वो तब कैसा परफॉर्म करेगी। एंड सरप्राइजिंगली Miles Morales भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल गेम था, छोटा गेम था बट लोगों को बहुत पसंद आया था। दो तीन चीज़ें उन्होंने उसमें डाली थी जो कि ये लोग मेन गेम में भी डालेंगे और उसको बहुत बड़ा बना के और गेम का बहुत मेन पार्ट बना के। तो Insomniac ने प्रीवियसली जो दो स्पाइडरमैन आए थे उससे बहुत कुछ सीखा है। स्पाइडरमैन 1 और Miles Morales वाली तो सारी चीज़ें इस गेम में आपको मिलेगी, बट उसके ऊपर भी आपको इसमें मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलेगी कि आप फिगर आउट करते करते गेम ख़त्म कर दोगे। हर एक चीज़ इसमें री इन्वेंट कर दी गई है, कोई भी चीज़ अनटच छोड़ी नहीं है, फ्रॉम सूट्स टू बैटल टू द स्टोरी, भर भर के आपको इसमें एक्सेस मिलेंगे। इतना ज़्यादा एंगेजिंग गेम कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बैट, एक्शन एंड स्टोरी टेलिंग कि आपको मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है। अगर स्टोरी की बात करते हैं तो हमें इस गेम में डाल दिया जाता है दो करेक्टर्स के साथ, जो है Miles Morales एंड पीटर पार्कर। Miles एंड पीटर बहुत ही दोनों ही अपनी ज़िंदगी की पर्सनल लाइफ की चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। पीटर ट्राई कर रहा है अपने मॉर्टेज को हेल्प करने की और अपने फ्रेंड्स के डिजीज़ क्योर करने की, सेम एज जो वो अपने पहले पार्ट में कर रहा था। देन उसके अदर हैंड ही Miles ट्राई कर रहा है यू नो कॉलेज एंट्री के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहे दोनों, क्योंकि स्पाइडरमैन वाली चीज़ जो उन्हें जिस सिटी को प्रोटेक्ट करना है वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये साइड बाई साइड चलता रहता है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी फेस करते हैं, उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं एंड सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो साइड बाई साइड दोनों तरफ की स्टोरी चलती रहती है। पीटर पार्कर एंड Miles Morales सिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जहाँ पे वो डिफरेंट एनिमीज को फेस करते हैं। जैसे पीटर एक सूट पहन लेता है, कुछ क्लोथिंग पहन लेता है जो सिम्बॉइट वेनम सिम्बॉइट से अफेक्टेड होता है एंड वो उसकी पर्सनल पर्सनालिटी को भी अफेक्ट कर देता है। सेम एज वी सीन इन अ मूवी Spider-Man 3, जहाँ पे उस पीटर पार्कर को एक ब्लैक सूट मिल जाता है एंड देन वो कैरी करता है और उसकी पर्सनालिटी को वो ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और वो उसको रियलाइजेशन भी नहीं होती। ये सेम स्टोरी इसमें भी आने वाली है बट विद अ ट्विस्ट, ऑफकोर्स सोनी का अपना ट्विस्ट। उसके साथ साथ ही वहाँ पर क्रेवन है जो कि परेशान कर रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को, अब बार बार अटैक कर रहा होता है पीटर को। उसको चाहिए होता है कि सिटी का एक ही डॉन होना चाहिए, वो होना चाहिए क्रेवन द हंटर। उसके साथ साथ ही यहाँ पे लिजर्ड भी है, और लिजर्ड का आपको सीन पता ही है, हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा है कि लिजर्ड क्या करता है। लिजर्ड अपने आप पे ट्रीटमेंट कर करके डॉक्टर होता है वो एक, और अपने आप को वो पावरफुल बनाने का ट्राई करता है। तो ऐसे ही डिफरेंट एनिमीज इसमें मिलेंगे। मेन एनिमीज तो ये दो तीन ही रहेंगे, बाकी आपको छोटे छोटे एनिमीज और बहुत सारे एनिमीज तो दिखे जाएंगे गेम में, जैसे हमें स्पाइडरमैन 1 में दिखे थे। इस बार का जो मैप है न्यूयॉर्क सिटी का मैप है वो 2 times बिगर होने वाला है, जो भी आपने स्पाइडरमैन 1 में देखा था, जो भी स्पाइडरमैन 1 में मैप का साइज था, स्पाइडरमैन 2 में वो 2 times बिग होने वाला है। और जो भी फाइट्स होंगी वो बहुत बिगर एरिया में होंगी, सो यू कैन ईजिली मूव अराउंड, आप बहुत फास्ट मूव कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जितनी भी मेन फाइट्स होंगी वो बहुत बड़े बड़े एरिया में होगी, 2 times बिगर एरिया होंगे वो जो स्पाइडरमैन 1 में आपने फाइट्स होते देखा है। इसमें ट्रैवल सिटी अगर इन्होंने बड़ी करी है तो उसमें ट्रैवल भी आप बहुत फास्ट कर सकते हो। न्यू वेब स्विंगिंग सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत फास्ट है, बट इसमें एक और नया सिस्टम डाला है जिसमें वेब विंग्स आपको दिए गए हैं, आप हवा में विंग्स खोल सकते हो और उससे और फास्ट आप ट्रैवल करोगे। इसमें फास्ट ट्रैवल का भी ऑप्शन है जो कि और एक यूनिक ऑप्शन है, जहाँ पे PS5 के सारी एडवांटेज ली जा रही है, जितना नेक्स्ट जेन वो कॉन्सोल है उसकी सारी एडवांटेज यहाँ पे ली जा रही है। नए नए सिस्टम इसमें डाले हैं ताकि आप ट्रैवल फास्ट कर पाओ सिटी में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फन हो क्योंकि सिटी एक्चुअली में बहुत बड़ी है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर कॉम्बैक्ट की बात करें तो ब्यूटीफुल, माय फेवरेट पार्ट इस गेम का कॉम्बैक्ट ही है। कॉम्बैक्ट इतना री इन्वेंट कर दिया गया है इस गेम में, फ्रॉम इफ़ यू कंपेयर विद द Miles Morales एंड Spider-Man 1,
जो पूरा हैविली रिवर्क कर दिया गया है कॉम्बैक्ट, एंड कॉम्बैक्ट इज माई फेवरेट पार्ट। 65 सूट्स इसमें टोटल है जो कि आप अनलॉक कर सकते हो, जिसके 200 कॉम्बिनेशन है जो कि आप कस्टमाइज करके अपने पीटर पार्कर या माइल्स मोरेल्स को पहना सकते हो। काफ़ी सूट्स हैं जो कि कॉमन होंगे बिटवीन माइल्स एंड स्पाइडरमैन, एंड काफ़ी स्पेशलाइज सूट्स होंगे जो कि सिर्फ माइल्स और स्पाइडरमैन के लिए होंगे, सॉरी पीटर पार्कर के लिए होंगे, जिसमें 200 कॉम्बिनेशन हैं इन टोटल। कस्टमाइजेशन लेवल पे ये गेम बहुत इनसेन है, फ्रॉम कॉम्बैक टू द एनी अदर एस्पेक्ट। कस्टमाइजेशन आप बहुत बहुत इनसेनली इस गेम में कर सकते हो। कॉम्बैक्ट इस गेम का इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें दो करेक्टर्स है जिससे आप खेल रहे हो, फर्स्ट इज पीटर देन इज माइल्स। आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी कॉम्बैक्ट में लड़ सकते हो, दोनों को से एक साथ भी आप कॉम्बैक्ट में लड़ सकते हो जो कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सबसे बढ़िया बात है कि आप कभी भी कहीं भी इन दोनों को में से किसी में भी इंस्टेंटली स्विच कर सकते हो। अगर आपको माइल्स से पीटर में स्विच करना हो या पीटर से माइल्स में, आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आप हवा में वेब स्विंग करते हुए कर रहे हो या वेब विंग में कर रहे हो, चाहे आप रोड पर भाग रहे हो, चाहे आप कॉम्बैक्ट में, आप कभी भी स्विच कर सकते हो whenever you want। कॉमिक्स से रिलेटेड मेरे को एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स में थी, वन में नहीं थी, सूट डैमेज। विजुअल सूट डैमेज मतलब जब आप सूट में डैमेज लोगे, हिट लोगे, तो विजुअली वो डैमेज लेगा, विजुअली आपको दिखेगा कि वो टूट जाएगा कहीं से फट जाएगा, और जितना ज़्यादा आप डैमेज लेते जाओगे उतना ज़्यादा वो फटता चला जाएगा और विजुअली वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। वंस आप कॉम्बैक खत्म करोगे, कॉम्बैक जीत जाओगे, तो वो सूट भी ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू एडिशनली डू एनीथिंग कि उसको रिपेयर करने के लिए आपको कुछ करना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ग्राफिक वाइज ये गेम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, फ्रॉम करेक्टर डिजाइन टू करेक्टर एक्सप्रेशंस टू विजुअल्स, जो भी जितने फाइट विजुअल्स हैं, जो पूरी सिटी बिल्ड करी गई है, मॉडल करी गई है, ब्यूटीफुली मॉडल करी गई है, हर एक एक्शन सीन, हर एक फाइट सीन बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया गया है, कोरियोग्राफ किया गया है। एवरी एस्पेक्ट इस गेम में, चाहे वो एबिलिटीज़ हो, हर सूट का लुक हो, हर सूट की स्पेशल एबिलिटी एंड उसके टेक्सचर्स एंड उसके पार्टिकल्स जनरेशन, एवरी थिंग, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। PS5 पे गेम आ रहा है तो रे ट्रेस्ड ऑन होगा हमेशा, डिफ़ॉल्ट इस पे रे ट्रेस्ड ऑन रहेगा। देर इज़ नो वे कि आप रे ट्रेसिंग जो है वो ऑफ कर सकते हो। रे ट्रेसिंग का कॉम्बिनेशन विद फाइट्स एंड एवरीथिंग, वो कॉम्बिनेशन ही एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। हर जगह आपको रे ट्रेसिंग दिखेगी और वो जो इफेक्ट लाती है, वो जो ग्राफिक क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे कर देती है, वो बहुत ही अच्छी है। उसके साथ साथ दो ऑप्शन इसमें मिलेंगे ग्राफिक्स के, मतलब दो सेटिंग्स आपको मिलेगी, एक विजुअल एक परफॉर्मेंस। विजुअल और परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा FPS का, परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स आपको बेटर FPS मिलेंगे। एंड दोनों में ही मैंने बताया आपको रे ट्रेसिंग ऑफ रहेगी, किसी में भी रे ट्रेसिंग ऑफ नहीं होगी। तो व्हेन यू आर गेटिंग मोर फ्रेम्स ऑल्सो, तो उसमें भी रे ट्रेसिंग ऑन रहेगी। मैं सजेस्ट करूँगा ये आप 4K पे खेलो, क्योंकि फुल HD पे आई डोंट थिंक मुझे इतना वर्थ होने वाला है, क्योंकि यार नेक्स्ट जेन गेम है, कम ऑन, इट्स टाइम फॉर 4K गेमिंग। तो 4K पे या एटलीस्ट 2K पे तो ये गेम खेला जाना ही चाहिए, ग्राफिकली ये बहुत ही अमेजिंग गेम है। कॉम्बैक की डिफ़िकल्टी बढ़ा दी गई है स्पाइडरमैन 1 से स्पाइडरमैन 2 में, कॉम्बैक की डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ा दी गई है। स्पाइडरमैन 1 में कभी कभी ऐसे होता था कि आप अपना मेन एक्शन यूज़ कर लो, मेन अटैक यूज़ करते थे तो एनिमी मर जाता था एक या दो शॉट में, बट स्पाइडरमैन 2 में ऐसा नहीं है। स्पाइडरमैन 2 में कॉम्बैक आपको रियली चैलेंज करेगा, आपको बोलेगा कि भाई चलो ये वाला कॉम्बैक्ट है, आप इसको करके दिखाओ। तो यू रियली नीड योर स्किल्स टू पुट ऑन द टेबल कि भाई हाँ भाई अब मेरे को लड़ना पड़ेगा, प्रॉपरली ये गेम खेलना पड़ेगा। कॉम्बैक्ट वाइज इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, जो कि मुझे तो पर्सनली सही लगा कि इतना ईजी भी नहीं होना चाहिए किसी को मारना। अगर हम कॉम्बैक कर रहे तो थोड़ा वो कॉम्बैक टाइम टेकिंग होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ओए गाइस, 20 अक्टूबर 2023 को ये गेम आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा। 5000 रुपीज़ का ये गेम आ रहा है, $80 का ये गेम आ रहा है, €80 इंडियन प्राइस में 5000 रुपीज़ का ये गेम आ रहा है। PlayStation 5 के लिए आएगा सिर्फ और सिर्फ, कोऑप वोऑप कुछ नहीं है, सिंगल प्लेयर गेम है ये, आपके PS5 के कंट्रोलर के साथ अमेजिंगली चलने वाला है, सारे सपोर्ट है इस पे, PEGI 16 ये गेम है। डीलक्स एडिशन अगर खरीदने जाओगे तो अराउंड 6000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का मिलेगा। डीलक्स एडिशन में आपको DLCs मिलेंगी और प्री ओन्ड सूट मिलेंगे, जो कि आई गेस 10 प्री ओन्ड सूट्स हैं, 10 प्री ओन्ड सूट्स हैं, 5 माइल्स के लिए एंड 5 पीटर के लिए आपको पहले ही दे दिए जाएंगे 10 सूट। अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा आपको, प्री ऑर्डर का 2 सूट उसमें मिलेंगे, एक गैजेट मिलेगा क्योंकि गेम में बहुत बाद में आगे खुलेगा, और 3 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। डीलक्स एडिशन को आप अगर प्री ऑर्डर करते हो तो प्री ऑर्डर वाली ये सारी चीज़ें तो मिलेगी, उसके साथ आपको 2 स्किल पॉइंट और मिलेंगे और एक एडिशनल
पास मिलेगा, स्पाइडर पास मिलेगा, उसका क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। बेस एडिशन को भी अगर आप प्री ऑर्डर करते हो जो कि 5000 रुपीज़ का है, तो उसमें भी आपको दो सूट मिलेंगे, एक गैजेट मिलेगा और तीन स्किल पॉइंट मिलेंगे, पर कोई भी और कुछ नहीं मिलेगा। डीलक्स एडिशन में 10 सूट मिल रहे हैं आपको 5 मीटर के लिए 5 माइल्स के लिए। देखो कुछ गेम्स या कुछ चीज़ों के सिर्फ सीक्वल्स आते हैं मनी स्कैम के लिए, कि उन्हें सिर्फ पैसे बनाने होते हैं इसलिए वो सीक्वल निकाल देते हैं, चाहे वो मूवी हो, सीरीज हो या गेम हो। बट ये वाला जो गेम है स्पाइडरमैन 2, ये एक्चुअली में बहुत सॉलिड लग रहा है। मैंने इससे पहले एलन वेक की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही बोला था कि एलन वेक बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। प्राइसिंग की बात करूँ तो अगेन प्राइसिंग सेम ही है जो स्पाइडरमैन 1 के थे। स्पाइडरमैन 1 4000 रुपीज़ का आया था, उसका डीलक्स एडिशन अराउंड 5000 का आया था, तो इसके भी अराउंड अराउंड सेम ही है। PS5 एक नेक्स्ट जेन मशीन है, तो उसके लिए 5000 प्राइस मेरे हिसाब से ठीक ही है। स्पाइडरमैन जैसा गेम जो आपको इतना ज़्यादा कंटेंट दे रहा है खेलने के लिए, तो 5000 रुपीज़ तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, खरीदा जा सकता है गेम। यूजुअली सेल नहीं लगती PS5 पे और स्पाइडरमैन पे स्पेशली, तो अगर सेल लगेगी तो वो नेक्स्ट ईयर लगेगी, जो कि बहुत लेट हो जाएगा। तब तक आपको बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स या बहुत चीज़ें दिख जाएगी इंटरनेट पे, जो उसके बाद फिर खेलेगा मन नहीं करेगा, ऐसे लगेगा शिट यार मैंने सारी चीज़ें तो देख ही ली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई एम डन, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट मैनी थिंग्स, जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। कहीं कुछ मत देखो यार, स्पॉयलर हो जाएगा, बहुत गेम प्ले लीक्स हो चुके हैं, स्टोरी लीक हो चुकी है, 65 के 65 सूट्स लीक हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें लीक हो चुकी हैं, वो मत देखो। क्योंकि जब आप गेम में एक्सप्लोर करोगे और गेम में खुद से पता चलेगा तो उसका अलग ही मज़ा है। तो जस्ट जितना मैंने वीडियो में बताया उतना ही जानना ज़रूरी है। आई गेस ये गेम है कि इसको खेला जा सकता है, बहुत बढ़िया गेम है। फिर भी गाइस अगर आपको कोई अपना ओपिनियन शेयर करना हो मुझे कमेंट में, तो ज़रूर बताएं कि आपको स्पाइडरमैन 1 कैसा लगा था और आप क्या समझते हो, आपकी क्या ओपिनियन है कि स्पाइडरमैन 2 कैसा होने वाला है। गाइस लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थोड़ा सा छोटा सा काम है सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।